गाजरे मैं खरगोशों के लिए काट रहा था, ये देखिए मुर्गियाँ आ गई हैं, उनको भी थोड़ी सी बारीक बारीक करके ना काट के डाल देने ताकि ये भी खा जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मुर्गियों को अभी हम ऊपर आए हैं तो मुर्गियों को पहले खोल देते हैं और फिर वहाँ पे आके बच्चों और खरगोशों को भी खोल लेंगे, क्योंकि मुर्गियों को जो है ना मैं रात को यहीं पे बंद करके चला गया था। ये देखिए ये इस केज के अंदर ही मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मौसम अब जो है ना इतना ठंडा नहीं है, पहले इनको बाहर निकालते हैं और फिर जो है ना वहाँ से खरगोशों को और बत्तखों को निकालेंगे। ये देखिए ये देखो जैको भी हमारी ऊपर आके बैठ गई है। जैको का भाई ऊपर, बस दरवाज़ा खुलने की देर होती है और ये ऊपर पहुँच जाती सीधे। अभी जो है ना जाके खरगोशों को खोलते हैं और बत्तखों को खोलते हैं। ये देखो वो बैठा हुआ हमारा खरगोश कैसे सुकून से बैठा है। ये इनको खोल देते हैं, खरगोश को देखें कैसे ये लंबा लेटा हुआ है। ये देखिए लाइट जला के देखते हैं कोई, ये देखिए ये भी बैठा है आराम से, इनको खोल देते हैं खुद ही, अभी थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। ये देखिए लेटे हुए आराम से लेटे हुए दोनों खरगोश, यहाँ पे ना मिट्टी ला के डालते हैं थोड़ी सी ताकि ठंडा हो अंदर। अभी जो है इनके लिए खाना वगैरह लेकर आते हैं खरगोशों के लिए भी और मुर्गियों के लिए और बत्तखों के लिए भी। ये मैं रोटी ले आया हूँ बत्तखों के लिए, इनको डाल देता हूँ। ये देखें सुबह की भी पड़ी हुई है, इन्होंने ये भी नहीं खाई तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, खाना होगा तो ये खा लेंगे ऐसे ही, नहीं तो ये देखें ये सुबह की रोटी पड़ी है ये भी ज़ाया हो जाएगी। सुबह मैं डाल के गया था, इन्होंने नहीं खाई अभी तक। और ये मैं अभी दूसरी इसलिए लेकर इसमें डाल देता हूँ ये भी ताकि दोनों खा लें। और अभी मुर्गियों के लिए भी दाना यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो दाना भी इनको मैं डालता हूँ, दाना इनको मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ, नहीं तो ये मुर्गियाँ भी जाना ये भी ज़ाया करती हैं, पाँव मार के फेंक देती हैं सारा। वो देखिए अब वो अंदर जा, मुर्गा अंदर घुस रहा है। ये देखिए ये दाना डाल दिया, अब इनका ना पानी लाते हैं नीचे से और पानी चेंज करते हैं सारा। ये पानी भी इनका ले आया हूँ मैं, पानी चेंज कर देता हूँ क्योंकि एक गंदा हुआ था बोल, इसको साफ कर लेते हैं पहले फिर इसके अंदर पानी डाल देते हैं। इसमें भी डाल दिया पानी और इसमें भी डाल दिए। अभी जो है ना खरगोशों के लिए जो क्या कहते हैं पट्टे लेने जाने हैं वो लेकर आता हूँ और फिर खरगोशों को भी डालता हूँ। पट्टे तो मिले नहीं मुझे, ये गाजरें मिली है, मैं ये गाजरें ले आया हूँ, इसके ना छोटे छोटे पीस करके खरगोशों को डाल देता हूँ ताकि वो खा लें, इसके ना छोटे छोटे पीस बना देता हूँ ताकि इजीली चबा लें। पीस बना के ना फिर मैं इनको डालता हूँ। ये गाजरें मैं खरगोशों के लिए काट रहा था, ये देखिए मुर्गियाँ आ गई हैं, उनको भी थोड़ी सी बारीक बारीक करके ना काट के डाल देने ताकि ये भी खा जाए, उनको भी नहीं खाने देते। थोड़ी सी मैं इनको डाल देता हूँ, बाकी खरगोशों को डाल दूँ। गाजरें मैंने काट ली हैं और ये हमारा खरगोश ये इधर फिर रहे, इसको इधर डाल देते। ये देखिए मुर्गियों से डरते वो होते हैं, ये मुर्गियाँ बाद ही नहीं आती यार, ये साला फेंक देती हैं। देखिए फिर इसने फेंक दिया मुर्गी ने, उधर जाकर डाल दूँ मैं। ये देखिए ये खरगोश, इसको यहीं पे रख देते हैं, ये खुद ही आ जाएंगे अभी खाने के लिए। ये देखिए ये खड़ा खरगोश एक, ये खुद ही खाने आ जाएगा अभी। अभी जो है ना यार ये जो केज हम लेकर आए थे ना इसकी सारी जो जालियाँ वगैरह है ना ये भी लगानी है। ये देखें ये जालियाँ लगानी है सारी, और अंदर से जो गंद फैला हुआ है ना इसकी भी सफाई करनी है, क्योंकि आज सारे परिंदे जो है ना इसके अंदर हमने शिफ्ट कर देने सारे, पांच खाने फिर भी खाली रह जाएंगे। ये जो डब जो है ना हमारी, इनको भी हमने इसके अंदर शिफ्ट करना है आज, क्योंकि ये भी बड़े दिन से बैठे भी नहीं जा रहा, ये कैसी बैठी रहती हैं, क्योंकि नहीं तो ये ना किसी लकड़ी वगैरह पर बैठती हैं, तो इनके लिए भी आज सबके लिए जो है ना आज जितने भी केज हैं खाली सबको साफ करके ना सबको इसके अंदर शिफ्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। ये देखें अब जैको बाज नहीं आ रही, अभी ये इनको तंग कर रही है। देखिए वो एक तो भाग गया, दूसरे को तंग कर रही है। ए जैको इधर आओ इधर आओ। ये देखिए देखिए अभी छलांग मारेगी इसके ऊपर। जैको क्या कर रही हो, क्यों तंग कर रही हो इनको? देखिए कैसे देख रही है, देखिए ये देखिए छलांगे मार रही है इसके ऊपर बेचारे में, वो डर भी नहीं रहा, आराम से खा रहा अपना।
चली गई। अभी जो है ना ये देखें, पहले यहाँ से मैं तो कह रहा हूँ इसको ना क्योंकि एक दफ़ा काट लेते हैं ताकि इजी हो जाए, नहीं तो इतना लंबा केज ना अजीब सा ही लग रहा है। तो इसको अभी जो है ना दो दो पोर्शन बना देंगे इसके, यहाँ से काटते हैं एक और एक यहाँ से काटते हैं, दो ये ऊपर वाले अलग हो जाएंगे, फिर तीन रह जाएंगे, तीन का तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, एक और अलग करेंगे, दो दो बना के एक अलग कर देंगे बिल्कुल। तो जल्दी से काम शुरू करते हैं, इससे पहले अंधेरा हो। अब करते हैं स्टार्ट। ये देखें यहाँ से पहले खोल लेते हैं इसको, क्योंकि इतना मजबूत नहीं बना हुआ ये, बहुत लंबा हो रहा है, परेशानी होती है ऊपर हाथ डालने में। ये देखिए यहाँ से खोल लेंगे ऐसे ही, यहाँ से भी खोल के फिर इसको इतना इतना काट लेंगे यहाँ से। ये देखिए हाँ यहीं से काट, ये यहीं से बीच में आएगा, हाँ यहाँ से, यहाँ से ये, यहाँ से ये इसको काट के दोनों को अलग करते हैं आराम से आराम से। बड़ी नाजुक लकड़ी है, बीच में ना जाली भी आ रही है। ये देखिए एक साइड कट गई है, ऐसी ही चारों साइडें काट लेंगे और फिर बीच में से इसकी जाली काटेंगे। इसको यहाँ से ना कटर तो हमारे पास है नहीं, हम कैंची से ही काट देते हैं सारे। पहली साइड हमने काट दी है, अब इसकी ये दूसरी काट है। ये देखिए थोड़ी सी रह गई ये भी, बस ये होगी ना अब क्लियर कि नहीं, वो सामने वाली फ्रंट वाली रहती है जाली। ये देखिए ये फ्रंट रह गया थोड़ा सा, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए अब ये अलग हो गया, ये देखिए ये अलग हो गया और वो अलग हो गए। इधर को खड़ा कर, इधर को खड़ा कर उसको, हाँ यूँ सीधा है। अब ये देखें ये बन गया ना, अब दो दो का। अब वैसे इनको जो है ना ये वो तीन का बन जाएगा, ये दो का बन जाएगा, इनको फिर अब यहाँ पे रखते हैं साइड पे सबको। अब ये जो खाली पीछे जगह है ना, ये देखें ये बीच में ना जाली है ही नहीं इसके, इसके ऊपर ये जो जाली हम लेकर आए थे ना पहले जो बची हुई है, इसको पीस बना के ना इसके साइज़ के फिर इसको सारों में लगाते हैं। पहले इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, बाकी वो तीन जो खाने हैं ना उसमें भी लगाएंगे। ये देखिए पिंजरे हमने सारे इसके तैयार कर लिए। ये देखिए दो अलग कर दिए, ये तीन अलग कर दिए, बस इसकी जो है ना छत रह गई है, वो छत इंशाल्लाह पड़ी हुई है हमारे पास, वो भी लगा देंगे। ये देखें डव को भी अभी इसके अंदर शिफ्ट करते हैं, ये वाले केज में नीचे मुर्गियाँ रख देंगे उसके, और यहाँ पे साइड पे जो है ना बतखे रख देंगे। अभी सब चीज़ें रख के मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये हमने बतखों को जो है हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और मुर्गियों को ये देखें मुर्गियों को यहाँ पे रख दिया। ये देखें मुर्गियाँ यहाँ पे आ गई, और ये डव जो है हमारी ये देखें यहाँ पे आ गई, सारों को एक एक जगह शिफ्ट कर दिए। ये देखें आ रही नजर, सबको अलग अलग शिफ्ट कर दिया। और खरगोश जो है ना हमारे वो इधर ही रहेंगे अपने रैबिट हाउस में। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।